हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स का इंग्लिश। रीड थिंक एंड एंजॉय हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द सेल्फिश गेंट। द सेल्फिश गेंट का मतलब होता है स्वार्थी राक्षस। गेंट का मतलब होता है राक्षस और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। तो इस हेडलाइन का मतलब हो गया स्वार्थी राक्षस। पिछले वीडियो में हमने इस स्टोरी का वर्ड मीनिंग देखा था और यहाँ तक हमने इसका हिंदी मीनिंग भी कर लिया था। आज के वीडियो में हम आगे का हिंदी मीनिंग करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट वन नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। एंड सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। एंड अगर आप इंग्लिश ग्रामर और क्लास एट का इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर टू का वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सेकेंड चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हम पढ़ेंगे यहाँ से, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग इस चैप्टर के पार्ट वन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको ये पूरा कहानी, पूरा स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कहानी है ये आपकी हिंदी के बुक में भी दिया गया है, स्वार्थी राक्षस, ये क्लास सिक्स के हिंदी के बुक में भी दिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक इसका हिंदी मीनिंग कर लिया था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश गेंट एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन। चलिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि राक्षस कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेड द सेल्फिश गेंट, स्वार्थी राक्षस कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वसंत ने आने में इतनी देर क्यों कर दी। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, यानी कि अपनी खिड़की के पास बैठा बगीचे को देखते हुए जो ठंडा और सफ़ेद था, ठीक है, वो अपनी खिड़की के पास बैठ गया, गार्डन में खिड़की के पास बैठ गया और अपने सफ़ेद बगीचे को देखने लगा। आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर, स्वार्थी राक्षस ये कहता है आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि मौसम में बदलाव आएगा। स्वार्थी राक्षस अकेले बैठे बैठे खुद में ही बातें कर रहा होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट द स्प्रिंग नेवर कम नॉर द समर, लेकिन बसंत कभी नहीं आया, नॉर द समर और ना ही ग्रीष्म, इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, यहाँ हमेशा सर्दी बनी रही। वन मॉर्निंग द गेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक, एक सुबह वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था और जब उसने एक मधुर गाना सुना, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट दैट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय। इसका मतलब ये हुआ कि उसे यह संगीत इतना मधुर लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि ये राजा का संगीतकार वहाँ से गुजर रहा है, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड। वास्तव में वह गाने वाली चिड़िया लिनेट थी जो कि उसके खिड़की के बाहर गा रही थी, लेकिन उसने गाने को इतने समय के बाद सुना था कि उसे लग रहा था कि ये गाना वर्ल्ड का यानी कि दुनिया का सबसे सुंदर संगीत है, सबसे अच्छा संगीत है। राक्षस ने किसी को गाते हुए बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद सुना था, तो इसलिए उसे लग रहा था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा संगीत है। तो गाना कौन गा रहा था? पक्षी, जिसका नाम है लिनेट। चलिए आगे देखते हैं। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द गेंट एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड एंड लुक्ड आउट। इसका मतलब ये हुआ कि राक्षस कहता है कि मुझे लगता है कि वसंत आ गया। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड एंड लुक्ड आउट, और वह अपने बिस्तर से उठकर बाहर देखने लगा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, यानी कि उसने सबसे अच्छा या सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देखा।
थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन एंड दे वेर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। इसका मतलब हुआ कि एक दीवार के छोटे से छेद में से बच्चे अंदर आ गए थे, बगीचे के अंदर आ गए थे और वे पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। पेड़ की शाखाओं, ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज यानी कि पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, मतलब कि जहाँ तक वो पेड़ को देख सकता था उसने सब जगह देखा कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। उसके बगीचे में जितने भी पेड़ थे सभी पेड़ पे, सभी पेड़ की शाखाओं पर छोटे बच्चे बैठे हुए थे। एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगैन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विथ ब्लूज्म एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड्स। और पेड़ बच्चों को वापस पाकर बहुत खुश हुआ, मतलब इतना खुश हुआ कि पेड़ ने अपने आप को फूलों से ढक लिया और बच्चों के सिर पर अपनी बाहें यानी कि टहनियाँ फैला दी। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट एंड द फ्लावर्स वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लैगिंग। यहाँ पर क्या था, द बर्ड्स वेर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट यानी कि चिड़िया खुशी से चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लैगिंग, फूल हरे घासों से ऊपर उठकर लहरा रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर, इट वॉज स्टिल विंटर, मतलब कि ये एक प्यारा दृश्य था। इट वॉज अ लवली सीन यानी कि ये एक प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, सिर्फ एक कोने में अभी भी सर्दी थी। इट वॉज फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, पूरे बगीचे में वसंत का मौसम आ गया था लेकिन बगीचे के एक कोने में अभी भी सर्दी थी। इट वॉज अ फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब कि यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था, ठीक है, यह बगीचे का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा बच्चा, छोटा लड़का खड़ा था। इट वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड ट्राइंग बिटरली, मतलब कि वह इतना छोटा था कि वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, पेड़ की शाखाओं पर वह चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहा था चढ़ने की लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, चढ़ जाओ छोटे बच्चे, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एंड लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टिनी, सेड द ट्री यानी कि पेड़ ने कहा और उसे जितना हो सका अपनी टहनियों को झुका दिया, पेड़ ने अपनी टहनियों को झुका दिया लेकिन वह बच्चा बहुत ही छोटा था। बट द बॉय वॉज टू टिनी यानी कि वह बच्चा बहुत ही छोटा था। एंड द गेंट हर्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और राक्षस का दिल पिघलने लगा, राक्षस ने जब उसको पेड़ पर चढ़ते हुए देखा कि वो बच्चा नहीं चढ़ पा रहा है, पेड़ की टहनियाँ झुक गई लेकिन फिर भी वो बच्चा पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था, तो ये सब दृश्य देखकर राक्षस का दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड, तो राक्षस खुद से ही कहता है कि मैं कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, तो अब मैं ये समझ गया हूँ कि वसंत क्यों नहीं आ रहा था। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रेंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, तो वो कहता है कि मैं उस बेचारे बच्चे को पेड़ के ऊपर चढ़ा दूंगा और दीवार को गिरा दूंगा और मेरा बगीचा हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड यानी कि खेल का मैदान बन जाएगा। इट वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसने जो किया था उसके लिए उसको बहुत ही दुख हो रहा था। राक्षस अपने बगीचे में किसी भी बच्चे को आने नहीं देता था तो इसी किए पर उसको पछतावा हो रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन, इसका मतलब हो गया कि इसलिए वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और धीरे से सामने का द्वार खोला और धीरे से सामने का दरवाज़ा खोला और बाहर बगीचे में चला गया। बट वेन द चिल्ड्रेन सॉ हिम दे वेर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन,
लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो इतने डर गए कि सब भाग गए और बगीचे में फिर से सैर दिया गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वेयर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द गेंट कमिंग। सिर्फ यह छोटा बच्चा नहीं भागा क्योंकि उसकी आँखें आंसुओं से पूरी तरह भरी हुई थी। इसलिए उसने राक्षस को उसके पीछे आते हुए नहीं देखा। एंड द गेंट स्टूड अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड एंड पुट हिम अप इन टू द ट्री। तो वह राक्षस उसके पीछे आया और धीरे से उसको हाथों में उठाकर पेड़ पर बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लूसम एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेस्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द गेंट्स नेक एंड किस्ड हिम। और उस पेड़ पर फूल खिल उठे और चिड़ियाँ आकर उस पर गाने लगी और उस बच्चे ने अपनी बाहें राक्षस के गर्दन पर फैला दी और उसको चूम लिया। एंड द अदर चिल्ड्रेन व्हेन दे सॉ दैट द गेंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जब बाकी बच्चों ने देखा कि राक्षस पहले की तरह दुष्ट नहीं है, पहले की तरह खराब नहीं है, तो वो वापस दौड़ के चले आए और उनके साथ साथ वसंत भी आ गया। लास्ट पैराग्राफ है, इट वॉज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रेन सेड द गेंट। तो राक्षस कहता है छोटे बच्चों से, ये अब तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। और उसने बड़ी कुल्हाड़ी लेकर दीवार को मार के गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वेयर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द गेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रेन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब लोग 12 बजे बाजार जा रहे थे, 12 बजे दोपहर में जब बाजार जा रहे थे, तो उन्होंने राक्षस को बच्चों के साथ खेलते हुए देखा और सुंदर बगीचा देखा जो कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने इसका पूरा हिंदी मीनिंग किया, इसका वर्ड मीनिंग भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज के वीडियो में बस इतना ही एंड हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रुस्तम एंड सोहराब। तो ये वाला स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।